सो हेलो गाइस, एके लाइफ, मैं विशांत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे आया हूँ, और शायद आप लोगों को पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनके गांव आया हूँ आंध्र प्रदेश में। और ये आंध्र प्रदेश का एक जो गाँव है उसका नाम है अमालापाड़ू, उसके अंदर एक गाँव है उसका नाम है पुंडी। और पुंडी ये जो गांव है ये समुद्र के बहुत ही पास है, मतलब कि दो एक किलोमीटर के अंदर बसा हुआ है दोस्तों। और काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे। मैं आया हूँ, मैं फर्स्ट आज का यहाँ ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना हरे भरे क्षेत्र से आपको कुछ दिखाता हुआ चलूँ, क्योंकि ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जगह एक मतलब फार्म हाउस में बोल लीजिए या खेती किसानी की जगह भी है। और यहाँ वैसे खेत नहीं होते जैसे हम लोग के उधर हुआ करते हैं, यहाँ पे है नारियल के खेत, खेती बहुत ज़्यादा होती है। देख सकते हैं मेरे पीछे बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं, उन पे नारियल लगे हुए भी हैं। मैं चलिए पास से आप लोग को और कुछ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो है दूर से आपको जो दिखा रहा हूँ ये काजू के पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, काफ़ी बड़े पेड़ हैं दोस्तों। और ये देखिए मैं उसमें से एक फल लगा हुआ है, मैं आपको पास से जूम करके मैं आपको आपको दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों ये जो फल है, और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आप फल देख रहे हैं, आप में से जो भी व्यूवर्स हैं अगर किसी ने इस तरह के फल काजू के नहीं देखे, तो देखिए दोस्तों ये जो फल है ये फल है, और यही फल है, इसी फल का जो है अलग तरह की वाइन बनाते हैं, देसी वाइन। और साथ ही साथ इसके फल का जो नीचे का जो भाग है देख सकते हैं, जो वो काजू है दोस्तों, उसको पकाया जाता है, भुना जाता है, उसके बाद हमें काजू मिल पाता है दोस्तों। जो मार्केट तक आता है वो काफ़ी प्रोसेस होता है उसमें, दो तीन उस प्रोसेस के बाद ही हमको ये दुकानों पे मिलता है। चलिए, और अभी क्या है सीजन भी ख़त्म होते आ गया है, उसमें कुछ अभी फल लगे हुए हैं जो इक्का दुक्का है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ, ये काजू का पेड़ है, अपन वहाँ जाएंगे। उससे पहले बाजू में आपको मैं कुछ चीज़ आपको दिखा दूँ, मैंने फर्स्ट टाइम देखा लाइव, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये है नारियल का पेड़, और ये नारियल के पेड़ में देखिए कितने पास में, कितना छोटा पौधा है, लेकिन देख सकते हैं गाइस कितने सारे नारियल लगे हुए, बहुत ही ज़बरदस्त। और देखो मैं छू भी सकता हूँ, और इसका जो है पानी दोस्तों सोच सकते हैं, अगर इसको तोड़ के अभी तुरंत अगर आपको दिया जाए तो आप तो मन क्या ही बोल, मतलब इतना ज़बरदस्त आपको फील होगा ना दोस्तों, क्योंकि इतना फ्रेश लगेगा कि पेड़ बहुत ही पास में है। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी मैं तोड़ लूँ, पर दोस्तों अभी नहीं, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा नारियल का पानी जब मैं तोड़ूंगा, तोड़ते हुए दिखाऊंगा, और साथ में आपको नारियल का पानी पी के टेस्ट करके भी बताऊँगा दोस्तों कि वहाँ से जो नारियल हमारे 50 रुपये में मिलता है दोस्तों, और यहाँ पे मुश्किल से आपको 10 रुपये में दोस्तों, 10 से 15 रुपये में इतने आप नारियल के पानी पी सकते हो दोस्तों। जहाँ पे हम लोग एक नारियल का पानी पीते हैं, यहाँ पे 3 नारियल का पानी आप भरपूर पेट भर जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोग को वहाँ अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पे अगर कुछ काजू के फल या फ्रूट्स दिख रहे होंगे गिरे हुए तो मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए एक मिनट। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं काजू के पेड़ के नीचे, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ये कुछ फल गिरे हुए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये काजू का फल है और ये काजू है ऊपर में आप में से, और ये कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फल जो है मीठा इसका टेस्ट होता है थोड़ा। मैंने खाया था जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो खाया, तो उसमें फल जो है मीठा था, और उसका जो टेस्ट था दोस्तों बहुत ही रसीला होता है, और जैसे आप कटहल खाते हैं उस टाइप का थोड़ा सा खाने में, और टेस्ट में थोड़ा सा जो अपन जाम या बिही बोलते हैं उसका टेस्ट और रसीला होता है बहुत। और ये काजू है, इसे अभी पका नहीं है दोस्तों, ये गिर गया है, हो सकता है किसी जानवर या किसी ने गिरा दिया होगा। और ये देखिए ये पूरी तरह पक के नरम हो जाएगा, और ये काजू देख सकते हैं दोस्तों, देखो कितना रसीला, इतना रसीला है, तो कितना इसमें पानी रहता है। और इसका पानी निकाल करके गोवा में मैंने एक वीडियो गोवा का देखा था, तो इससे वो फिनी भी बनाते हैं, मतलब एक तरह की वाइन होती है देसी वाइन, वो बनाते हैं इस तरह, इसको मतलब पूरा निकाल लिया जाता है और उसको जो है गरम करके उसके भाप से जो है वो एक तरह की वाइन बनाते हैं। तो ये दोस्तों मैंने बना लिया है,
देख सकते हैं आप लोग, ऐसे अगर जो किसी ने देखा नहीं तो मैं पास से और दिखा देता हूँ आपको, देखिए। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप लोग को भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमने अभी तक जो चीज़ देखी है दोस्तों, ये तो खैर एक मात्र छोटी सी जगह पे जो खेत है, मेरे दोस्त के एक रिलेटिव है उनका खेत है, और मैं यहाँ पे सोचा जो आया हूँ वो चीज़ मैं दिखा दूँ, एक्सपीरियंस जो मैंने किया मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ से दोस्तों एक्साइटमेंट और ज़्यादा बनेगा, प्लीज़ ब्लॉग में बनी रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं समुद्र के पास में, और वहाँ का जो बीच है, वहाँ का किनारा है, और अभी शाम का नज़ारा जो है दोस्तों, आप देख करके मज़ा ही आने वाला है आप लोग को, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहेगा। तो दोस्तों चलिए देर ना करते वहाँ चलो चलते हैं दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या सीन है, और दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, LOVE, और दोस्तों मैंने लिखा है, आप अपन देखना ये है कि क्या ये मैंने जो लिखा है, और ये लहर मिटा पाती है नहीं मिटा पाती, देखते हैं दोस्तों। ओ भाई नहीं मिटा पाई, यहाँ तक नहीं मिटा पाई है, और अभी अपन और देखेंगे कि क्या ये सिंबल को क्या ये लहर मिटा सकती नहीं मिटा सकती, अभी देखते हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ पे लहरें बहुत सारी उठ रही हैं, बट लेकिन यह क्या इसमें से कौन सी लहर इसको मिटा पाती है, बहुत सारा शोर है यहाँ पे, आई थिंक ये देखो फिर से लहर आ रही है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, और ये मैंने जो लिखा है वो आपको पीछे दिख रहा होगा, बट अभी तक ऐसी कोई लहर नहीं आई है। तो वेट एंड वॉच, आप लोग देखिए कि यहाँ में से कौन सी लहर जो मेरे लिखे हुए इस मैटर को कौन सी लहर मिटा सकती नहीं मिटा सकती, देखते हैं। ये लहर आई, आई थिंक ये भी नहीं आ पाई है यहाँ तक, और फिर से देखते हैं कौन सी ऐसी लहर आती है और इसको मिटा पाती है नहीं मिटा पाती दोस्तों, देखते हैं। और बहुत ही यूनिक जगह है, और मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, और ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, मेरे फ्रेंड का जो है घर है, और मैं उनसे मिलने आया था। ये देखते हैं लहर यहाँ तक मिटा पाती नहीं मिटाती, अभी भी दोस्तों ये पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, देखिए वापस जा रहा है। शाम के 5:30 से 6 बज रहे हैं, और इस बीच में अब देखते हैं कि कौन सी लहर इसको मिटा पाती नहीं मिटा पाती है, और आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी लहर इसको मिटा सकती है दोस्तों। इसी 4 मीटर पे दुनिया जो है चल रही है आज, कहीं ना कहीं बहुत सारे मेरे कपल दोस्त भाई मित्र इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इसको कोई भी ऐसा मिटा सके। वैसे आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे ज्वार और भाटे का समय होता है, और इस समय जो भी ज्वार भाटा चल रहा है, लेकिन अभी तक मैं कितने देर से आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, इसमें से कोई भी लहर अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। ये देखिए दोस्तों, ओ माय गॉड दोस्तों, एक लहर पहुंच चुकी है, उसने मेरे लिखे हुए मैटर को मिटा दिया है पूरी तरह से दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक का ब्लॉग यहीं तक, और कल मैं फिर से यहां आऊँगा, और यहां के बारे में, यहां की जानकारी, और मैं कहां पे खड़ा हूं, ये सारी चीज़ें मैं कल ही आपको बताऊँगा। तो अभी तक के लिए यहीं तक है, तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।